हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ई लर्निंग बाई सेट छोटेलाल एकेडमी रार। हम लोगों ने तीन चैप्टर्स इसके कवर किए हैं, थ्री चैप्टर्स। पहला चैप्टर था हमारा इन टीचर, तो ये आपका एक रिवीजन वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कि रिवीजन कैसे करना है आपको। इन टीचर्स क्या होते हैं ये आपने समझा था, मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। द नंबर्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। द नंबर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ये सब मिला करके हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ये लास्ट में नंबर लाइन आप देख रहे होंगे, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाए गए। जीरो जो होता है वो सबसे बीच में होता है, नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट में होते हैं। नंबर लाइन के सिस्टम में आप जानते ही हैं पहले से कि जो भी नंबर राइट में होता है वो अपने लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर होता है। यानी अगर हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो हमको नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव। अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव में कंपेरिजन करें तो फाइव इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, फाइव इज ऑल्सो ग्रेटर देन माइनस वन। अगर हम जीरो और निगेटिव नंबर में कंपेरिजन करें तो जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर्स, एंड जीरो इज ऑल्सो लेस एवरी टाइम लेस फ्रॉम द लेस देन द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये प्रेडेसेसर और सक्सेसर निकालना मैंने आपको सिखाया था। फॉर प्रेडेसेसर वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस वन फ्रॉम एनी इंटीजर, एंड फॉर द सक्सेसर वी विल एड वन इन एनी इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था मॉड का साइन, जैसा आप देख सकते हैं प्लस एट में लगा भी हुआ है। तो जब भी हम कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इट डजेंट मैटर कि जो भी हमारी वैल्यू दी गई थी वो एक नेगेटिव इंटीजर था, पॉजिटिव था, लेकिन जब भी हम उसको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, उसको मॉड साइन के बाहर लाते हैं, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव बन जाता है। इनमें जो एक्सरसाइज दिखाई दे रही है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगाने के लिए है, या अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर है। इसके अलावा मैंने आपको सारे ऑपरेशन सिखाए हुए हैं, एडिशन का, एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो इन सब का बेसिक रिवीजन आपको कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई के लिए जाते हैं तो ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें बताया गया कि अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव आएगी। उसके बाद फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तो भी हमारी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, तो हमको एडिशन यानी एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि किसी भी सेम ग्रुप यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का या नेगेटिव नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करने पर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमको हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। देखिए, जो रूल आपने अभी मल्टीप्लाई में लगाए हैं, मल्टीप्लीकेशन में, वही रूल आपके जो है डिवीजन में भी फॉलो होंगे। अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, यानी जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर जो नंबर हम, जो डिविडेंड है हमारा, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो नंबर हमारा डिवाइड करता है उसको हम डिवीज़र बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर डिविडेंड है और सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पर डिवीज़र है। तो फर्स्ट नंबर अगर हमारा यानी डिविडेंड हमारा नेगेटिव है और डिवीज़र पॉजिटिव है, तो भी हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर डिविडेंड और डिवीज़र यानी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दोनों ही हमारे नेगेटिव है, तो हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हुई है पहले भी अपने वीडियोज़ में। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी है, क्लोज़र प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लीकेशन। क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब होता है इफ़ वी फॉलो द ऑपरेशन इन बिटवीन द इंटीजर्स, तो उनमें जो हमको रिजल्ट मिलता है क्या वो इंटीजर होता है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ये सब फॉलो करते हैं।
लेकिन जो डिवीज़न होता है आपका, ये डिवीज़न आपका जो है ये क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। डिवीज़न कभी भी किसी क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद ये दूसरा हमारा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं प्लेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, इसमें जो है प्लेसेस चेंज कर दिए जाते हैं तब भी रिज़ल्ट हमारा सेम अगर रहता है तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे एडिशन है, एडिशन में अगर हम रिजल्ट्स चेंज, अगर हम प्लेसेस चेंज कर देते हैं डिजिट्स के या जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनका अगर क्रम बदल देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो भी हमको सेम उसका अपना जो है रिजल्ट सेम ही मिलता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर हम चेंज कर देते हैं, सपोज़ मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि 4 × 3 लिखा था उसमें भी 12 आएगा, 3 × 4 कर देंगे उसमें भी 12 आएगा, 10 × −9 करेंगे तो भी −90 आएगा, और अगर −9 × 10 करेंगे तो भी −90 आएगा। यानी ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मल्टीप्लिकेशन हमारा जो है वो उसका में हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, 4 − 6 करने पर −2 आता है एंड 6 − 4 करने पर 2 आता है, यानी इसमें रिजल्ट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। उसी तरह डिवीज़न है, आप देख सकते हैं पहला नंबर है इसमें फर्स्ट नंबर 6 / 2 = 3, 6 को 3, 2 से डिवाइड किया गया 3 आया, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, और 3 और 1/3 ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह और भी कई प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है आपकी, उसके बाद आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने वीडियोज़ में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, आप इन सब का रिवीज़न ज़रूर कर लीजिएगा। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको कराया ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ का रिवीज़न था, ये सब चैप्टर 1 का रिवीज़न था। तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का रिवीज़न अच्छे से करेंगे आप लोग। ये हो सकता है इसका नेक्स्ट वीडियो अब आपको ना मिले, आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो टेस्ट के लिए आप सभी बेसिक थिंग प्रिपेयर कर लेंगे। बेसिक थिंग्स का मतलब है इंटीजर्स के सारे बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन यानी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड चैप्टर में फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन के लिए भी आप यही सब प्रिपेयर करेंगे, इसके सारे ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, सॉल्यूशन कैसे होता है उनका। और थर्ड जो डेसिमल चैप्टर था हमारे, उसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे होता है। उसके अलावा आपको सारे ऑपरेशंस भी पढ़ाए गए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वो कैसे करते हैं, और जितना भी इसमें बेसिक थिंग्स हैं वो आपको सारी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ओके चिल्ड्रेन।